नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मेरठ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। 300 गज में बन रहा अवैध कॉम्प्लेक्स ध्वस्त कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर प्राधिकरण का अवैध निर्माण तोड़ो अभियान चल रहा है और मेरठ के माधवपुरम पीरा गार्डन रोड पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 300 गज में अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहा था, मेरठ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस अवैध निर्माण को तोड़ दिया है। मेरठ के माधवपुरम ईरा गार्डन रोड पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। मेरठ विकास प्राधिकरण ने यह बड़ी कार्रवाई की है। 300 गज में अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहा था जिसे ध्वस्त कर दिया गया। बड़े पैमाने पर प्राधिकरण का अवैध निर्माण तोड़ो अभियान चलाया जा रहा है। मेरठ के माधवपुरम ईरा गार्डन रोड पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। तीन सौ गज में यह अवैध कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा था जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। मेरठ विकास प्राधिकरण ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 300 गज में अवैध कॉम्प्लेक्स बन रहा था जिसे ध्वस्त कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर प्राधिकरण का अवैध निर्माण तोड़ो अभियान चल रहा है। मेरठ के माधवपुरम ईरा गार्डन रोड पर यह बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। MDA की सबसे बड़ी कार्रवाई सुबह 10:30 बजे के बाद से लगातार जारी है। मेरठ में जो गौ तस्कर माफिया था अकबर बंजारा, उसके अवैध कॉम्प्लेक्स को यहां ध्वस्त किया गया। साथ ही मेरठ के ईरा गार्डन में MDA ने 300 गज के अवैध कॉम्प्लेक्स को भी ढाया है। इतना ही नहीं, मेरठ शहर के कोतवाली क्षेत्र में MDA ने अवैध रूप से बनाए जा रहे एक मकान को भी अभी अभी ध्वस्त किया है। जी साहिल, साथी वहीं अगर बात की जाए, लगातार देखने को मिल रहा है कि अवैध निर्माणों पर जो सरकार का बुलडोजर है, जो प्राधिकरण का बुलडोजर है, वो लगातार कार्रवाई कर रहा है और आज भी इसी तरह की ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिली है। क्या माना जाए कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई बदस्तूर चलती रहेगी? जी साहिल, बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी राज में जिस तरह से माफियाओं पर बाबा का बिल्डोजर जारी है, इसी तरह से जितने भी माफियाएं हैं जिन्होंने अवैध रूप से संपत्तियों को खड़ा किया है, उनकी संपत्तियों को इसी तरह से बाबा का बिल्डोजर उन पर चलता रहेगा। मेरठ में MDA ने पूरी तरह से एक रूट मैप बनाकर 16 जगह को चिन्हित किया है। 16 जगह पर 16 ही बिल्डोजर अलग अलग जगहों पर आज पूरा दिन गरजते रहेंगे। जी साहिल, सादिक वहीं क्या इस कार्रवाई से पहले किसी तरह का नोटिस यहां पर दिया गया था जिनकी ये प्रॉपर्टी है, उन लोगों के पास किसी तरह का कोई नोटिस प्राधिकरण की तरफ से गया था? जी साहिल, बिल्कुल, जिस तरह से जिन्होंने अवैध रूप से संपत्तियां खड़ी की हैं उन्हें पहले ही नोटिस दिया गया है, साथ ही कुछ समाचार पत्रों में भी निकलवाया गया था। तो पूरी तरह से जो MDA के अधिकारियों का कहना है कि पहले इन्हें नोटिस भी दिया गया है और अब इन पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। जी साहिल, चलिए सादिक, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र TV ऐप को, जो कि अवेलेबल है Google Play और App Store पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।